हेलो किशन भाइयों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा फॉरेन ट्रैक शॉट ईपीआई T20 वर्सेस हिंदुस्तान शॉट ट्रैक्टर, इनमें से आपको कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए। तो वीडियो में बने रहे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक जल्द से जल्द कर दिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इनके सिलेंडर की बात करें तो फॉरेन ट्रक आपको 3 सिलेंडर में और हिंदुस्तान आपको 4 सिलेंडर मिलता है। एचपी दोनों ही 50 HP में दोनों ट्रैक्टर आपको मिलते हैं। इनके कैपेसिटी की बात की जाए तो फॉरेन ट्रक आपको 3443 CC मिलता है और हिंदुस्तान आपको 3054 CC में मिलता है। इनके आरपीएम की बात करिए तो फॉरेन ट्रक शॉट ईपीआई आपको 1850 और हिंदुस्तान शॉट आपको 2100 RPM में मिलता है। दोनों ही आपको वाटर कूलिंग के साथ आते हैं। तो ट्रैक्टर की अगर मैं बता दूं, फॉरेन ट्रैक कंपनी ने बहुत सारे ट्रैक्टर निकाल रखे, लेकिन हिंदुस्तान ट्रैक्टर जो है सिर्फ एक ट्रैक्टर निकाला है, हिंदुस्तान शॉट को। तो चलो आप वीडियो में देखते हैं कौन सा ट्रैक्टर आपको लेना चाहिए। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको ये ट्रैक्टर लेना चाहिए, बिल्कुल फाइनल डिसीजन। दोनों ही आपको ड्यूल क्लच में आते हैं। इनके गियर की बात की जाए तो आपको 16 फॉरवर्ड गियर और 4 रिवर्स गियर के साथ आता है फॉरेन ट्रैक, और हिंदुस्तान शॉट आपको 8 फॉरवर्ड गियर और 2 रिवर्स गियर्स। तो इसमें गियर ज़्यादा होने के कारण आपको चलाने में आसानी होगी। इनके ब्रेक की बात की जाए दोनों में आपको ऑयल इमर्स्ड ब्रेक मिलते हैं। फ्यूल कैपेसिटी की बात की जाए तो फॉरेन ट्रैक में आपको 60 लीटर का टैंक और हिंदुस्तान में आपको 55 लीटर का टैंक मिलता है। इनके टोटल वेट की बात की जाए तो फॉरेन ट्रैक आपको 42-45 kg मिलता है और हिंदुस्तान आपको 23-25 kg मिलता है। तो ट्रैक्टर दिखने में फॉरेन ट्रैक शॉट जो है ये आपका थोड़ा स्पोर्ट लुक में आता है, ऐसा लगता है जैसे मॉडिफाई करवा रखा हो, लेकिन हिंदुस्तान में सही है दिखने में, लेकिन थोड़ा ओल्ड लगता है, थोड़ा सा ओल्ड वर्जन। अगर इनकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो फॉरेन ट्रक आपको 1800 kg लिफ्ट मिलता है और हिंदुस्तान आपको 1600 kg लिफ्ट में। तो लिफ्ट के मुकाबले में भी आपको फॉरेन ट्रक शॉट बढ़िया ट्रैक्टर है। तो आप ये ट्रैक्टर देख सकते हो। इनके टायर की बात की जाए दोनों के ही अगले टायर जो है 7, 50, 16 के है, तो टायर में कोई भी डिफरेंस नहीं है अगलों के। अगर इनके पिछले टायर की बात की जाए तो आपको फॉरेन ट्रैक 14/9/28 के मिलते हैं और हिंदुस्तान में आपको 16/9/28 के मिलते हैं। टायर पिछला टायर बड़ा है हिंदुस्तान का। इनके वारंटी में बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिलेगा। फॉरेन ट्रैक को आपको 5000 घंटे 5 साल के लिए मिलती है, लेकिन हिंदुस्तान में केवल आपको 2000 घंटे 2 साल के लिए मिलती है, जो कि बहुत ही कम है। अगर इनके प्राइस की बात की जाए तो फॉरेन ट्रैक शॉट आपको 7.5 लाख और हिंदुस्तान आपको 8 लाख के करीब देखने को मिलेगा। तो 50,000 का फ़र्क है, लेकिन उसके बाद भी आपको इसमें वारंटी देखने को कम मिलती है। तो मैं तो यही कहूँगा आपको फॉरेन ट्रैक शॉट लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो लाइक कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तो जय जवान जय किसान, धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।